जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज एक रेसिपी बनाते हैं अपने ब्लॉग में। तो मैंने ले लिया, जो मैंने अपने बच्चे को कप में दूध देती हूँ ना, वो कप ले लिया और उससे मैंने हाफ कप जैसा साबूदाना ले लिया और उससे पानी से धुल के, दो पानी से आप इसे अच्छे से भिगा दीजिए, दो तीन पानी से धुलना है, डस्ट वस्ट जो भी लगा और निकल जाए, ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें दो तीन, फिर से मैंने मसल दिया अच्छे से और पानी गिरा दिया, फिर पानी डाल के मैं इसे रख दूंगी अच्छे से। उसके बाद गैस पे पैन रखूंगी, उसमें थोड़ा मूंगफली दाना डालूंगी, 100 ग्राम 50 ग्राम जैसा, उसे अच्छे से भून लेना है। हमें क्या करना है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और प्यार सपोर्ट बनाए रखिए मेरे चैनल पर, मुझ पर, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बस मूंगफली को अच्छे से भून लीजिए। और भूनने के बाद मैंने फिर से लगाया गैस और उस पर रख दिया था दूध, क्योंकि मुझे बनाना था मस्त सा यमी सा एक रेसिपी दूध का और साबूदाने का। तो इसे हम क्या करेंगे, दूध गर्म हो जाएगा तो साबूदाना जो फूल गया था ना उसको इसमें डाल देंगे। आप पानी के साथ भी डाल सकते हैं, पानी फेंक के भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पानी के साथ नहीं डाला, पानी फेंक के डाला। उसके बाद हमें अच्छे से चलाना है इसे, और चलाने के बाद हमें क्या करना है, देखना है कि जले ना ये धीरे धीरे, मतलब मीडियम फ्लेम पे हो, और बहुत जल्दी ये बन के रेडी हो जाएगी। और उसके बाद मुझे जिस कप से आप साबूदाना लिए थे ना, उसी कप से उतना ही आप चीनी ले लीजिए, बराबर क्वांटिटी का। जो ज़्यादा मीठा खाता है ज़्यादा क्वांटिटी का भी ले सकता है। मैं थोड़ा ज़्यादा ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा, मतलब ये सब चीज़ें जो होती है ना, खीर सेवई वगैरह, थोड़ा मीठा होता है तो भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैंने पूरी चीनी नहीं डाली थी, मैंने बचा दिया, मुझे लगा कि अरे ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैंने लगे हाथ तुरंत ही डाल दिया ड्राई फ्रूट्स। और हाँ, साबूदाना जब आपको ना मिरर जैसा नज़र आने लगे ना, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा लगने लगा। पहले ये दुधिया जैसा दिखेगा, बाद में मिरर जैसा दिखेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा, तो आपको लगना चाहिए कि ये पक गया है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स डाल के, केसर हो तो केसर ऐड कर दीजिए, देन हमारा खीर रेडी हो गया। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर हमने गैस पे जो पैन रखा था, फिर हमें इसमें ना एक दो चम्मच हमने चीनी डाला और उसमें एक चम्मच पानी डाल के और धीमे फ्लेम, हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से चलाना है। इसका हमें बनाना है कैरेमल, क्योंकि हम बनाएंगे आज कैरेमल वाली खीर, साबूदाने की कैरेमल वाली खीर। तो बस हमारा कैरेमल भी रेडी हो गया। अब हम इसमें इसको चलाते रहेंगे ताकि जले ना, और थोड़ी थोड़ी पानी डालते रहिएगा ताकि ये जले ना और अच्छे से बन जाए। उसके बाद खीर में हमें डाल देना, और क्या यमी टेस्ट आता है कैरेमल वाली खीर की, एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। इस तरीके से साबूदाने की खीर बहुत आपको पसंद आएगा और इतनी जल्दी बन जाती है ना, झटपट सी ये सब चीज़ें, ये खाना, ये खीर इतनी जल्दी बन जाती है कि क्या बताओ। फिर हमने दूसरी तैयारी करना है, मूँगफली भी हमारा बहुत अच्छे से भुन गया था। उसके बाद हमें क्या करना है, मूँगफली को हाथ से अच्छे से इसे छुड़ा देना है, और छुड़ाने के बाद सारा छिलका हटाना है हमें, क्योंकि हमें बनाना है इसकी एक रेसिपी, जो रेसिपी हम लास्ट में बताएंगे। तो देखते जाइए और प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। फिर हमने ले लेना है लौकी, मूँगफली छूट गया था हमारा बहुत अच्छे से, फिर हमने ले लिया लौकी। लौकी को भी अच्छे से हाफ लौकी लीजिए, सौ ग्राम जैसा लौकी ले लीजिए आप, और लेने के बाद उसे, 100 ग्राम कह रही हूँ, एक लौकी हो तो जितनी क्वांटिटी का आपको सब्जी बनानी हो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। मैंने एक मीडियम साइज की लौकी लाई थी और उसका हाफ लिया था। उसके बाद हमें इसे छील लेना है, अच्छे से धुल लेना है और चॉप कर लेना है, एकदम बारीक चॉप करना है ताकि सब्जी बहुत बढ़िया बने। तो हमें धीरे धीरे बारीक चॉप कर लीजिए, थोड़ा हाथ से ही मुझे इजीली कट जाता है, मैं स्लैब पे रख के नहीं कट कर पाती हूँ, तो बहुत इजीली कट हो गया था हमारा लौकी। और इसकी मस्त सी रेसिपी बनेगी, बहुत इजी रेसिपी बनेगी, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डालेंगे हम, तो देखते रहिए। और मस्त लगेगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी, और बनाइएगा ज़रूर हमारी इस रेसिपी को, सारी रेसिपी को जो ये थाली हम रेडी कर रहे हैं।
तो लौकी कट गया है, अब हमने टमाटर भी ले लिया है, 3 टमाटर लिया है मीडियम साइज के। उसे भी अच्छे से हमें क्या करना है, ऊपर का जो होता है ना लगा होता है उसको काट के फेंक दीजिए, अच्छे से धुल लीजिए और बारीक इस टमाटर को भी काट लीजिए। टमाटर को भी बारीक काटने के बाद हमें क्या करना है ना, अरे भाई काटना ही है टमाटर, पहले काट तो लो फिर तो बोलो। फिर हरी मिर्च लेना है तीखा के लिए, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मत बनाइएगा, मत डालिएगा मिर्ची, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची डाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने लिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला, आप अगर रेगुलर यूज़ के लिए खाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, और फास्ट के लिए तो सनफ्लावर ऑयल या पीनट्स ऑयल। उसके बाद तेल डाला, तेल डालने के बाद मैंने ना उसमें जीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च डाला और नमक ऐड किया, और ये हमारा मसाला है खड़ा मसाला, मतलब कुछ मसाले व्रत वाले, काली मिर्च था, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, सभी को मैंने अच्छे से भून के और फ्राई कर दिया था, फ्राई करके अच्छे से और पीस के पाउडर बना लिया। फिर हमें कवर कर देना है मसाला मिला के, और आप देख सकते हैं टमाटर कलर चेंज हो गया और मैश भी हो जा रहा बहुत अच्छे से, मीन्स ये बहुत अच्छे से गल गया है, ठीक है। इस तरह से आप स्पैचुला से आप चला दीजिए, अच्छे से मैश कर दीजिए टमाटर को, और लौकी जो था हमारा लौकी मिला दीजिए मस्त एकदम। आप देख रहे हैं ना स्पाइसी सी सब्जी लग रही है बिना हल्दी वल्दी के, तो मस्त लगता है। और हाँ, उसमें मैंने ना जीरा, सूखा लाल मिर्च भी डाला था मसालों में, आप चाहिए तो लाल मिर्च अलग से भी डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने उसी में भून के ही पीस दिया था। फिर हमने थोड़ा पानी ऐड कर दिया 1 कप जैसा, और कवर कर दीजिए। फिर हमने ले लिया धनिया, और सोया लाया था बाजार से हरी हरी, मुझे सोया दिख गया, सोया बहुत पसंद था मुझे, तो मैंने ये दोनों चीज़ें ना डाल दिया काट के अच्छे से, और सोया की टेस्ट तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है स्मेल, तो मैंने काट के इसे अच्छे से धुल लिया, और धुलने के बाद इसे अच्छे से धुलना है, डस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर हमें इसे बारीक बारीक काट लेना है, एकदम महीन महीन सा, आप चाहिए तो चॉपर में काट लीजिए, नाइफ से काट लीजिए, सीजर से काट लीजिए, जिससे कंफर्टेबल हो उससे काट लीजिए, ठीक है। कटने के बाद हम चलिए सब्जी को देख लेते हैं कि सब्जी बन गई कि नहीं हमारी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सूपी और टेस्टी सब्जी लग रही है। तो ये सब्जी हमारे बच्ची को बहुत पसंद है क्योंकि उसे सूपी सब्जी बहुत पसंद है, और फिर हमने इसमें डाल दिया सोया और धनिया, तो आप देख सकते हैं कितना मस्त कलर लग रहा है, तो जरूर बनाइएगा, खाइएगा, हेल्दी रेसिपी है ये। तो बस हो गई हमारी सब्जी भी रेडी, अब हम बनाते हैं नेक्स्ट रेसिपी। तो इसके लिए हमें आलू बॉईल करना था, और मैंने लिया था 3 आलू क्योंकि ज़्यादा का नहीं बनाना था, थोड़ा थोड़ा ही, इतनी सारी चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा ही बना के खाएंगे ना, तो 3 आलू थी 3-4 आलू, और उसे अच्छे से मैंने छील लिया, छीलने के बाद काट लिया, 5 आलू था सॉरी एक एक बढ़ता जा रहा है, तो 5 आलू था छील लिया काट लिया, और उसका पैन लिया, पैन में सनफ्लावर ऑयल लिया, फिर वही प्रोसेस, फिर जीरा डाल दिया और फिर आलू डाल दिया, मैंने बनाना है आलू जीरा टेस्टी टेस्टी सा। तो आलू और जीरे को थोड़ा फ्राई कर लेना हमें 5 मिनट जैसा, आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए इधर उधर डुलाते डुलाते, क्योंकि आलू बॉयल होता है तो चिपका होता है, तो उसे अच्छे से पहले धीरे धीरे छुड़ा लीजिए आप, ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगा, कर लीजिएगा, ओके ये हो गया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक और वही मसाला जो मैंने बताया था ना, खड़े मसाले का पाउडर जो मैंने बनाई थी, काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और सूखा लाल मिर्च, तो इन सब मसालों को मिला के अच्छे से उसके बाद मिला दीजिए, और देन हमें वही सोया और धनिया डाल देना है ऊपर से। आप देख सकते हैं मस्त सा कलर लग रहा है, देखने में भी स्पाइसी लग रहा है और खाने में भी मस्त था, लेकिन स्पाइसी नहीं था ये, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही मीठा, मतलब स्पाइसी नहीं था, मैंने बच्चे के लिए बनाया था, काफ़ी अच्छा लग गया। आप ना लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चे को बना के, काफ़ी हेल्दी रहेगा और अच्छा लगेगा उन्हें सादा सादा सा। इसके साथ आप ना चूरा खाइए ना, तो काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में, और धनिया की चटनी हो, तो बस हमारी सब्जी रेडी हो गई, तो अब हम इसे भी खाली कर लेंगे, ये भी रेसिपी रेडी हमारी। हम आज पूरी थाली बनाने वाले हैं, वो भी फास्ट का थाली, और आप चाहिए तो नॉर्मल डेज में भी खा सकते हैं, अच्छी रहेगी। थोड़े थोड़े तेल में फिर हमने उसी पैन में तेल लिया और उसमें डाल दिया थोड़ा हरा मिर्च और अदरक काट के डाल दिया। आप कहेंगे इतना सारा हरा मिर्च, तो भाई ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा तभी तो कुछ समझ में आएगा, ऐसे तो समझ नहीं आएगा।
तो मैंने सारा डाल दिया। उसके बाद हमने धीमे धीमे इसको फ्राई किया अच्छे से, और अच्छे से जब फ्राई हो गया ये, आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा कलर चेंज होना चाहिए अदरक का भी और हरी मिर्च का भी। जब थोड़ा कलर चेंज हो, हरी मिर्च पे ऐसे वाइट वाइट सा आने लगे, तो आप समझ जाइए कि हाँ फ्राई हो गया बहुत अच्छे से। उसके बाद हमें ले लेना है एक सेंधा नमक लेना है, उसे अच्छे से मिला देना है सेंधा नमक को। नॉर्मल डिश में खाते हैं तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। मुझे व्रत में खाना था तो मैंने सेंधा नमक डाला, और फिर नींबू को एक बाउल में निचोड़ के रखा था जितना में ये डिप हो जाए अच्छे से। तो मैंने थोड़ा ही बनाया, तो उसमें डिप कर दीजिए उस नींबू और अदरक को, बहुत टेस्टी सा बन जाएगा नींबू मिर्च वाली अदरक। उसका सब्जी भी हमारी रेडी हो गई थी, सब्जी को खाली कर लीजिए एक बाउल में। देन हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें ले लेना है कुट्टू का आटा, उसमें डाल देना है हमें धनिया पत्ती। अब चाहिए तो ऐड करिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। फिर हमने ले लिया था आलू बॉयल किया हुआ। आलू ज़्यादा होना चाहिए, मैं एक बात बताऊँगी, एक टिप्स बताऊँगी। कुट्टू के आटों में आप अगर 250 ग्राम आटा ले रहे हैं तो आधा किलो जैसा आपको आलू लेना है, तो आपकी बहुत सॉफ्ट और टेस्टी रोटी पराठा पूड़ी बनेगी। ठीक है, आप पराठा भी बना सकते हैं, पूड़ी बनेगी। फिर हमें इस तरह से उसमें मतलब आटे में जीरा डाल देना है, फिर हमें आलू डाल देना है ग्रेट करके अच्छे से। आप चाहिए तो अलग से एक बर्तन में आलू को मैश कर लीजिए और फिर आटा डालिए, ऐसा भी ईजी कर सकते हैं। नहीं तो आप आलू के ऊपर, अगर आटे के ऊपर आलू करना है तो आप ग्रेट करके ही डालिए तो अच्छा लगेगा। ये जब हो जाए ना, तो फिर आप ना एक दो आलू ऐसे बचा के रखिए और बाद में उसको हाथ से फोड़ के डालिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, सच बता रही हूँ। मैंने किया था, ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट मैंने किया था, मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ऊपर से भी इसको ग्रेट करके डाला। बस हमारा आटा का लोई रेडी हो गया। अब देख सकते कहीं कहीं आलू दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, तो ऐसे ही हुआ था। तो बस अब हमारा आटा भी गूंथ गया है, अब हम इसकी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्सप्लेन मी। तो अब हम इसकी बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें गैस पे कढ़ाई रखना है, उसमें डाल देना है सनफ्लावर ऑयल, और उसके बाद हमें छोटी छोटी लोइयां लेना है, और लोइयां लेने के बाद आप अगर चकला पे बनाते हैं तो उस पर थोड़ा तेल ग्रीस कर लीजिए, और अगर स्लैब पे ही बनाते हैं तो आप इस पे थोड़ा ऑयल ग्रीस करके और इस तरह से रोटी हाथ से ही बना लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास साफ पॉलिथीन हो तो आप उसमें तेल लगा के और इसको ऐसे फैला लीजिए, बेलन से थोड़ा सा चला देंगे, हाथ से फैला देंगे तो बहुत अच्छे से वो पूरी बन जाएगा, क्योंकि इसका आटा गीला होता है थोड़ा, और इसमें थोड़ा नमक भी ऐड कर लीजिएगा। बस हमारी पूड़ियाँ रेडी हो गई, देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर। तो तेल भी गर्म हो गया था, तेल ज़्यादा गर्म हो जाए धुआं निकलने लगे तभी आप इसमें डालिए, उलट पलट के इसे सेक लीजिए, और मस्त सी हमारी पूड़ी रेडी हो गई। तो खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, और देख सकते हैं पूड़ी का कलर कितना टेस्टी लग रहा है। आलू जो मैंने कहा था ना, ऊपर से एक दो आलू ऐसे ग्रेट मैश करके डाल दीजिए, तो वही था, वो छोटा छोटा दिख रहा था। फिर हमने दो पूड़ियाँ और डाली इसी तरह से, और हाँ धीरे धीरे करिएगा, उलटिएगा नहीं तो ये फूट जाएगा। चलिए थाली सजाते हैं। थाली के लिए हमें सबसे पहले खीर रखा, खीर आप देख सकते हैं कितना यमी और थीक बना हुआ है, क्रीमी क्रीमी सा। ऊपर से डाल दीजिए आप ड्राई फ्रूट्स, और हम ये सैलड बनाएंगे पोमीग्रेनेट का और मूँगफली का, और इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती, और हाँ धनिया की पत्ती के साथ साथ हमें टेस्ट के लिए डाल देना है स्वाद अनुसार नमक, जो कि चार चांद लगाता है नमक हर रेसिपी में। तो ये डंडी बच गया था उसको भी मैंने काट दिया इसमें, क्योंकि ताजी ताजी धनिया थी। तो फिर नमक मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे स्पून की हेल्प से। ये सैलड बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है, आप इसे बच्चे को भी बना के दे सकते हैं लंच बॉक्स में। थोड़ा मूँगफली सॉफ्ट हो जाएगी, बट हाँ हेल्दी तो रहेगा ना, टेस्टी तो लगेगा ना। फिर हमने थाली में क्या किया, आलू की भजिया रख दी जो मैंने बनाया था, जीरा आलू उसको रख दिया खीर रखने के बाद। और थाली, ये सच में बता रही हूँ, अगर आप पूरे दिन व्रत में कुछ नहीं खा रहे हो ना नवरात्रि के व्रत में, तो आप ये थाली जरूर बना के खाइए, बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी लगेगा आपको, बहुत झटपट भी बन जाता है। फिर हमने ये आलू की लौकी की भी सब्जी रख दिया, फिर ये नींबू मिर्ची जो बनाया था वो रख दिया, और वो सैलड रखा
मूँगफली और अनार वाली। देन हमने पूरी रख दिया, तो लो जी अब हमारी थाली रेडी हो गई। आप भी खाइए, खिलाइए और अपनी फैमिली को खुश करिए। व्रत में लोगों को बहुत गुस्सा आता है फास्ट रहने के लिए, फास्ट रहने के बाद, तो ये थाली खिलाइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इतनी हेल्दी हेल्दी और टेस्टी टेस्टी से रेसिपी, ब्लॉग, सब चीज़ मिलता रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देन ये खाना खाइए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो ये देखिए थाली रेडी, सपोर्ट मी एंड लव मी, ओके। अच्छी लग रही है ना थाली, बहुत टेस्टी थी थाली, आप भी बनाइए। बाय बाय, सी यू।